पॉइंट सिक्स है, उसमें दिया गया है कि सी फोर है और एच आपका क्या है नाइन और बी आर इसके साथ लगा है बी आर, इसके कुल कितने समावयवी होंगे। तो हमने समावयवी बनाने का एक तरीका आपको बताया था, पहले कार्बन परमाणु को ऐसे ही लिख लीजिए एक दो तीन और चार, इसमें बी आर आप इस किनारे एक बार लगा दीजिए, फिर बी आर को एक बार खिसकाइए, अगला बनाइए एक दो तीन और चार, बी आर अब की बार हमने इस पे लगा दिया। अब की बार क्या करिए, इस सी को इस पे लेकर के आइए, अगली संरचना बन गई सी एक दो तीन, यहाँ पर बी आर है ही, हमने इस कार्बन को उठा करके इस पे लगा दिया, तो यहाँ पर आकर के लग गया बी आर सॉरी सी। अगली बार क्या करना है, इस बी आर को इस पे लेकर के आओ, एक संरचना और चौथी संरचना, ये आपको बताई गई थी कि सी लगा ही है, यहाँ पर हमने बी आर लगा दिया और यहाँ पर सबकी वैलेंसी पूरी कर लीजिए, किनारे पर है तो ये हो गया सी एच थ्री, ये हो गया सी एच टू, फिर हो गया सी एच टू और ये हो गया आपका सी एच टू, ठीक है चार बार पूरा, ये भी सी एच थ्री होगा सी एच टू होगा सी एच और किनारे है तो सी एच थ्री, यहाँ पर हो जाएगा ये भी सी एच थ्री किनारे पर है, ठीक है ये भी आपका सी एच थ्री है किनारे पर रहेगा सी एच होगा सी एच टू होगा, ये हो गया आपका सी एच थ्री, ठीक है यहाँ पर भी सी एस थ्री होगा सी एस थ्री यहाँ पर भी होगा और ये भी। नाम इसका अगर देखा जाए तो इसका नाम आपका वन पे लगा ब्रोमो, ये प्राथमिक हैलाइड है, वन पे लगा ब्रोमो, वन पे लगा है ब्रोमो, वन ब्रोमो और क्या होगा चार कार्बन का हो गया ब्यूटेन, इसको कहते हैं वन ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो गया वन टू पे लगा, ये प्राथमिक हैलाइड है एक प्रकार का, ये प्राथमिक हैलाइड है, ठीक है ये हो गया आपका टू पे लगा ब्रोमो, ठीक है टू ब्रोमो और टू ब्रोमो के बाद आपका क्या ब्यूटेन होगा, टू ब्रोमो ब्यूटेन है, यह एक प्रकार का द्वितीयक हैलाइड है, ठीक है द्वितीयक कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा तो द्वितीयक हैलाइड, यह भी प्राथमिक हैलाइड है लेकिन लंबी श्रृंखला एक दो तीन कार्बन की है, तो वन पे लगा ब्रोमो टू पे लगा मेथिल, बिल्कुल साइड चेन, नाम हो गया वन ब्रोमो हो गया, वन ब्रोमो के साथ आपका क्या होगा टू पे लगा मेथिल, टू पे लगा मेथिल और चार का सॉरी तीन कार्बन का प्रोपेन, तीन कार्बन का हो जाएगा प्रोपेन, वन ब्रोमो टू मेथिल और एक दो तीन कार्बन का प्रोपेन, ये भी एक प्राथमिक हैलाइड है क्योंकि जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन लगा वो प्राथमिक कार्बन परमाणु है। बात करते हैं इसकी तो वन टू थ्री लंबी श्रृंखला हो गई, टू पे लगा ब्रोमो टू पे लगा मेथिल और एक दो तीन कार्बन का प्रोपेन, नाम हो गया टू ब्रोमो, बिल्कुल टू ब्रोमो है और टू पे लगा और मेथिल भी लगा है, टू ब्रोमो टू मेथिल और तीन कार्बन की प्रोपेन, टू ब्रोमो टू मेथिल प्रोपेन और इसमें क्या होगा भैया ये दूध कैसा है तृतीयक, जिस कार्बन परमाणु से लगा वो तृतीयक है तो ये तृतीयक हैलाइड कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है वो क्या होगा सी फोर एच नाइन बी आर के कुल चार समावयवी होंगे, पहले का नाम हो गया वन ब्रोमो ब्यूटेन, दूसरे का नाम हो गया टू ब्रोमो ब्यूटेन, तीसरे का नाम हो गया वन ब्रोमो टू मेथिल प्रोपेन और चौथे का नाम हो गया प्लस टू ब्रोमो टू मेथिल प्रोपेन।